लाखों आदिवासी परिवारों को आप जाकर पाइप से शुद्ध पानी मिलना शुरू हुआ है। विशेष अभियान के तहत मेरी सरकार हजारों आदिवासी बहुल गांव में 4G इंटरनेट सुविधा भी पहुंचा रही है। बंधन केंद्रों की स्थापना और 90 से ज्यादा बोन उपज पर MSP दिए जाने से आदिवासियों को बहुत लाभ हुआ है। मेरी सरकार ने पहली बार जनजातियों में भी सबसे पिछड़े जनजातियों को की सूद ली है, उनके लिए लगभग 24,000 करोड़ रुपया की PM जनमन योजना बनाई। आदिवासी परिवार में अनेक पीढ़ियां सिकल सेल एनीमिया में पीड़ित रही है। पहली बार इसके लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया है। अब तक लगभग 1,40,00,000 लोग की जांच की हो चुकी है। दिव्यांगजनों के लिए भी मेरी सरकार ने सुगम्य भारत अभियान चलाए हैं। साथ ही भारतीय सांकेतिक भाषा में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई है। ट्रांसजेंडर को समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने और उनके अधिकारों के संरक्षण हेतु भी कानून बनाए हैं। माननीय सदस्यगण, हमारे यहाँ विश्वकर्मा परिवारों के बिना दैनिक जीवन की कल्पना भी मुश्किल है। ये परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी अपने कौशल को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सरकारी मदद के अभाव में हमारी विश्वकर्मा साथी बुरी स्थिति से गुजर रहे थे। मेरी सरकार ने ऐसे विश्वकर्मा परिवार को भी सूद ली है। अभी तक PM विश्वकर्मा योजना से 84,00,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। रेठी ठेले फुटपाथ पर काम करने वाले साथी भी दशकों से अपने हाल पर छोड़ दिए गए थे। मेरी सरकार ने PM स्वनिधि योजना द्वारा उनको बैंकिंग से जोड़ा। इस योजना के तहत अब तक 10,000 करोड़ रुपया से अधिक की राशि के ऋण दिया जा चुका है। सरकार ने इन पर भरोसा करते हुए बिना कोलेटरल के ऋण दिया है। इस भरोसे के मजबूत करते हुए अधिकांश लोगों ने ऋण भी वापस किया है, अगली किस्त का भी लाभ उठाया है। इस योजना के अधिकतर लाभार्थी दलित, पिछड़े, आदिवासी और महिलाएं हैं। माननीय सदस्यगण, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चल रही मेरी सरकार समाज के हर वर्ग को उचित अवसर देने में जुटी है। पहली बार सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण की सुविधा दी गई है। मेडिकल में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए OBC के केंद्रीय कोटे के तहत दाखिले में 27% आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। मेरी सरकार ने बाबा साहेब अम्बेडकर से जुड़े 5 स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया। आज देश भर में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए समर्पित 10 संग्रहालय बनाया जा रहा है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने ऐसे क्षेत्रों की भी पहली बार विकास से जोड़ा है जो दशकों तक उपेक्षित रहे। हमारी सीमाओं से सटे गांव को देश का अंतिम गांव माना जाता था। मेरी सरकार ने उन्हें देश का पहला गांव बनाया। इन गांव के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया है।
अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे हमारे दूर सुदूर के द्वीप समूह भी विकास से वंचित थे। मेरी सरकार ने इन द्वीपों में भी आधुनिक सुविधाओं का निर्माण किया। वहां सड़क, हवाई यातायात और तेज इंटरनेट की सुविधाएं पहुंचाई। कुछ सप्ताह पूर्व ही लक्षद्वीप को भी अंडर वाटर ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया है। इससे स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों को भी सुविधा होगी। मेरी सरकार द्वारा आकांक्षा जिला कार्यक्रम के तहत देश के 100 से अधिक जिलों में विकास का प्राथमिकता दी गई है। इस कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए मेरी सरकार ने आकांक्षा ब्लॉक कार्यक्रम भी शुरू किया है। इससे देश के उन ब्लॉक्स में विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है जो पीछे छूट गए हैं। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार आज पूरी सीमा पर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। एक काम बहुत पहले ही प्राथमिकता के आधार पर हो जाना चाहिए था। आतंकवाद हो या विस्तारवाद, हमारी सेनाएं आज जैसे हो तैसा की नीति के साथ जवाब दे रही है। आंतरिक शांति के लिए मेरी सरकार के प्रयासों के सार्थक परिणाम हमारे सामने हैं। जम्मू कश्मीर में आज सुरक्षा का वातावरण है। आज वहाँ हड़ताल का सन्नाटा नहीं, भीड़ भरे बाजार की चल पहल है। नॉर्थ ईस्ट में अलगाववाद की घटना में भारी कमी आई है। अनेक संगठनों ने स्थायी शांति के तरफ कदम बढ़ाए हैं। नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र घाटे हैं और नक्सली हिंसा में भी भारी गिरावट हुई है। माननीय सदस्यगण, भारत के लिए ये समय आने वाली सदियों का भविष्य लिखने का है। हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्षों की एक विरासत हमारे लिए छोड़ी है। अपने पूर्वजों की सौगातों का आज भी हम बड़े गौरव के साथ याद करते हैं। आज की पीढ़ी को भी ऐसा विरासत बनानी है जो सदियों तक याद रखी जाए। इसीलिए मेरी सरकार आज एक बड़े विजन पर काम कर रही है। इस विजन में आने वाले 5 वर्षों का कार्यक्रम भी है। इसमें आने वाले 25 साल का रोड मैप भी है। हमारे लिए विकसित भारत सिर्फ आर्थिक समृद्धि तक सीमित नहीं है। हम सामाजिक, सांस्कृतिक और सामरिक ताकत को भी उतना ही महत्व देते हैं। इनके बिना विकास और आर्थिक समृद्धि स्थायी नहीं रह सकती है। बीते दशकों के फैसले भी इसी ध्येय से लिए गए हैं। आज भी अनेक कदम इसी लक्ष्य के साथ उठाया जा रहे हैं। माननीय सदस्यगण, भारत के तेज विकास को लेकर आज दुनिया की हर एजेंसी आश्वस्त है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जो भी आकलन कर रहे हैं उनका आधार भारत की नीतियां हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में रिकॉर्ड निवेश और पॉलिसी रिफॉर्म निवेशकों का विश्वास और बढ़ा रहा है। पूर्ण बहुमत वाली स्थिर और मजबूत सरकार के लिए भारतीयों का संकल्प भी दुनिया को नया भरोसा दे रहे हैं। आज दुनिया को विश्वास है कि भारत ही ग्लोबल सप्लाई चेन को सशक्त कर सकता है। इसलिए भारत भी आज इसके लिए बड़े कदम उठा रहे हैं। देश में एमएसएमई का एक मजबूत नेटवर्क बनाया जा रहा है। मेरी सरकार ने 14 सेक्टर्स के लिए पीएलआई योजनाएं शुरू किए हैं। इसके तहत अभी तक लगभग 9 लाख करोड़ रुपये का उत्पादन हो चुका है। इससे देश में रोजगार और स्वरोजगार के लाखों नए अवसर बने। पीएलआई से इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा,
फूड प्रोसेसिंग और मेडिकल डिवाइस के सेक्टर में भी लाभ हो रहा है। मेडिकल डिवाइस से जुड़े दर्जनों प्रोजेक्ट्स में उत्पादन शुरू हो चुका है। मेरी सरकार ने देश में 3 बल्क ड्रग पार्क भी बनाए हैं। माननीय सदस्यगण, आज मेड इन इंडिया एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। मेक इन इंडिया को लेकर आज दुनिया आकर्षित हो रही है। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को दुनिया समझ रही है। आज दुनिया भर की कंपनियां भारत में नए सेक्टर्स को लेकर उत्साहित है। सेमीकंडक्टर सेक्टर में हो रहा निवेश इसका उदाहरण है। सेमीकंडक्टर सेक्टर से इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी बहुत लाभ होगा। मेरी सरकार आज ग्रीन मोबिलिटी को बहुत प्रोत्साहित दे रही है। बीते कुछ सालों में ही देश में लाखों इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण हुआ है। अब तो हम भारत में ही बड़े हवाई जहाज की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी कदम बढ़ा चुके हैं। Z News.